फोर्थ कैटेगरी सक्सेशन एक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, फोर्थ कैटेगरी आती है कॉग्निट। हमने क्लास वन एक एज कर लिया, क्लास टू कर लिया, एग्रेंट थर्ड कर लिया, फोर्थ कैटेगरी हमारी कॉग्निट। कॉग्निट मैंने आपको पहले बताया, कॉग्निट मीन्स वो रिलेशन जो जहां पर फीमेल इंटरवीन कर गई वो सारी चेन क्या हो जाएगी, कॉग्निट हो जाएगी। तो इसकी क्या है, कॉग्निट इज अ रिलेटिव हु वॉज रिलेटेड टू द एंटीस्टेट, एंटीस्टेट के यहां पर रिलेटेड है थ्रू अ चेन ऑफ मिक्स्ड रिलेटिव्स इन टर्म ऑफ सेक्स, यहाँ पर मेल भी आती है और फीमेल्स भी आती है, ठीक है। इट इज नॉट अ होल मेल चेन एज इवन ऑफ अ सिंगल फीमेल इंटरवेंस, अगर सिंगल फीमेल भी वहां पर इंटरवेंट कर गई तो वो सारी की चेन हमारी क्या बन जाएगी, कॉग्निटिक चेन बन जाएगी, वो सारी कॉग्निट रिलेशन हो जाएगी। यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, पी पी का फादर क्लास वन है, सॉरी क्लास टू है, पी के फादर का ब्रदर और पी के फादर की सिस्टर, ये भी क्लास टू है, लेकिन उनके बच्चे जो है, यहाँ पर देखो पी का फादर, फादर का ब्रदर, ब्रदर की डॉटर, तो यहाँ पर तीनों क्या है, मेल है, ब्रदर भी मेल है, फादर भी मेल है और ये भी मेल है, तो ये जो बेसिकली डॉटर है वो एग्नेट है, किसके, पी के एग्नेट है। कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एग्नेट और कॉग्निट का जो है वो उनका सेक्स चेक नहीं करेंगे, वो कोई मेल है फीमेल है, हम लोग ऊपर चेक करेंगे कि वो होली थ्रू मेल आ रही है फीमेल आ रही है। यहाँ पर चेक करो पी का फादर, फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर, तो यहाँ पे फीमेल आ गई, फीमेल का कहां बेटा है, तो ये क्या बन गया, कॉग्निट। तो यहां पर एग्नेट अगर जिंदा है तो कॉग्निट को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी, अगर एग्नेट जिंदा है तो कॉग्निट को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्नेट हमारा थर्ड एंट्री में है, क्लास थ्री में है और ये क्लास फोर्थ आ गई, तो डेफिनेटली कॉग्निट को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो बस आप इतना सा ध्यान रखो कि जो एग्नेट और कॉग्निट का बेसिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है जी। तो ये जो बेसिकली पी के फादर की सिस्टर की जो सन है वो बेसिकली हमारे कॉग्निट है, ठीक है जी। यहाँ पर फिर देख लो आप, चेक कर लो ग्राफ, ए एक फादर, फादर 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 उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसके बेटे के बेटा, यहाँ पर फादर ए का फादर, फादर की सिस्टर, सिस्टर का सन, सन का सन, ठीक है। यहाँ पर इस पूरी चेन में ये जो चेन है, यहाँ पर चेन को यहाँ पर सेंटर में क्या आ गई, फीमेल आ गई, और ये क्या हो गया, रिलेशन हमारा कॉग्निट हो गया। यहाँ पर जो सारी चेन है, देखो ये सारी चेन जो है, यहाँ पर चेन सारी की सारी सारी मेल है, तो ये क्या हो गया, हमारा एग्नेट हो गया। अगर एग्नेट प्रेजेंट है तो कॉग्निट को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी, बस इतनी सी बात। तो कॉग्निट क्या हुआ, वो रिलेशन जहां पे चेन में कहीं भी फीमेल इंटरवीन कर गई वो सारा रिलेशन हमारा क्या हो गया, कॉग्निट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ जो हमारी एंट्री है, ठीक है जी। अगर क्लास वन में कोई नहीं है, क्लास टू में कोई नहीं है, क्लास थ्री में कोई नहीं है, तो फोर्थ, क्लास फोर कॉग्निट को सारा कुछ मिल जाएगा। और फिफ्थ जो हमारी लास्ट में है, क्लास फिफ्थ, गवर्नमेंट एट द एंड सारी की सारी प्रॉपर्टी हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे। अगर कोई भी नहीं पर्सन जिंदा हुआ तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे। क्लास वन में कोई नहीं है, क्लास टू में कोई नहीं है, क्लास थ्री में कोई नहीं, क्लास फोर में कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए हम तो बैठे हैं, हमें दे दो प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंट्री स्टेट। अगर मेल की डेथ हो रही है तो हमने चार पांच कैटेगरी हमने कंप्लीट कर ली है, क्लास वन, टू, थ्री, फोर एंड फिफ्थ, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकली में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, डायग्राम बना के आपको बता दिया कैसे उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मैंने वो बता दिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द मेल पर्सन। अगर मेल की डेथ होती है तो बात खत्म, कल हम लोग शुरू करेंगे अगर फीमेल की डेथ हो रही है तो क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।